जय एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो भाई, एफकेट ने आखिर ऑफिशियली बता दिया कि उनका रिजल्ट 30 यानी मंडे को आ रहा है, 30 सितंबर को आ रहा है। अब देखो, रिजल्ट आते ही आप में बहुत हड़बड़ी मच जाती है और आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हो, उनका ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, आपको जो डेट चूज करनी है उसको चूज करते वक्त दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, शादियों का सीजन आ रहा है, किसी के घर में शादी वादी होगी तो उसको देख के मैनेज करना है ना, पचरा नियर बाई में ले लिया और शादी भी डेट क्लैश हो रहा है, फिर परेशान हो जाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। दूसरा, फैब के अंदर आपका एफकेट है, अप्रैल के अंदर आपका CDS है, और अगर और कोई भी एग्जाम्स हैं या जॉब के इंटरव्यूज हैं, जॉब वाले हो तो अपनी छुट्टियों को देखते हुए मैनेज करना, ताकि कोई एग्जाम के साथ आपका डेट SSB या क्लैश ना हो। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि भाई, सबको अपना अपना पता है कि उसको कितना प्रिपरेशन की नीड है, कितना टाइम चाहिए। किसी की कम्युनिकेशन बहुत वीक होगी, कोई फ्रेशर होगा, या फिर कोई बहुत हैवी वेट होगा, उसको अपना वेट कम करना होगा इसमें जाने से पहले, तो इन बातों का आप खास ख्याल रखेंगे। 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 1 FSB देहरादून, 2 FSB मैसूर, 3 FSB गांधीनगर, 4 वाराणसी एंड 5 FSB गुवाहाटी। अब इसमें चूज करना है, पहले तो ये देखना कि तुम्हारे नियर बाई कौन सा पड़ता है, ताकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपके साथ ना हो। पता चला तो मैसूर वाले में गए, वहाँ पे सारे साउथ वाले बच्चे हैं, वहाँ पे वैसे तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है लोगों से। माई फेवरेट इज वाराणसी, आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप जो भी डेट चूज करो, डू लेट मी नो। आपको इस बार गाइड करने के लिए मैंने पूरा वो ले रखा है, पूरा मतलब सेटअप बना रखा है, चाहे आपको ऑफलाइन पढ़ाना पड़े, ऑनलाइन पढ़ाना पड़े, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ये नहीं होगा कि आप जाओगे स्क्रीन आउट होकर आ जाओगे, आई विल मेक श्योर कि आप इस बार अपने एकेडमी तक पहुंच जाओ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।